नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। मेरा नाम है मनीष। मेरा नाम विजेंद्र। और आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है एक तमिल फिल्म का टीजर। इस फिल्म का नाम है हीरो और शिवकार्तिकेयन की ये मूवी है। इसमें अर्जुन, अभय, देओल, युवन शंकर, राजा और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं। हमारे तो नॉलेज में अभय देओल है, मतलब हिंदी मूवीज़ करते हैं वो, लेकिन हम तमिल फिल्म्स के, तेलुगु फिल्म्स के इतने फ़ैन हैं, साउथ इंडियन मूवीज़ के, मलयालम मूवीज़ कि साउथ इंडियन मूवी का कोई भी ट्रेलर या टीज़र आता है ना, उसे उसमें कुछ नया देखने को मिलता है हिंदी बॉलीवुड मूवीज़। और हम कोई भी मतलब टीज़र हो, ट्रेलर हो, सॉन्ग हो, वो मिस नहीं करना चाहते हम तेलुगु मूवीज़ का। हमें मीनिंग इतना समझ नहीं आता, हम थोड़ा सा वो उनका फील अलग होता है, तो इसलिए हम ये करते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई तमिल नहीं समझ आ रही तो कन्नड़ नहीं समझ आ रही, कन्नड़ा तो क्यों तुम कर रहे हो, तो ऐसा मतलब हमें अच्छा लगता है तो इसलिए हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरी मतलब तमिल ही आनी चाहिए, हम तमिल लैंग्वेज सीख लें तमिल, तो तुम लोगों को तमिल आती है तो तुम हमारे पंजाब का कैसे कर पाओगे या किसी और लैंग्वेज का, तो दैट डजंट मैटर। आपको अच्छा लगता है आपको करना चाहिए। ऐसे तो हमें फ्रेंच सिनेमा भी अच्छा लगता है, इटालियन मूवीज़ अच्छी लगती हैं, तो क्या करें, हम इटालियन और फ्रेंच भी सीख लें, ये ऐसा नहीं होता। मूवीज़ आर डिफरेंट आपका मतलब। चलो इस टीजर को देखते हैं, बाकी बातें बाद में। A for apple ने सुना, अब इनोड प्रोडक्ट। अदे A for aeroplane ने सुना, अब इनोड कॉम्पटिटर। நம்ம கல்வி முறையில எல்லாரும் படிக்க முடியும், ஆனா எல்லாராலையும் சாதிக்க முடியாது. இந்த சிஸ்டத்தை மாத்துறதுக்கு காமன் மேனா இருந்த பத்தாது, ஒரு ஹீரோ வேணும். बैटमैन जैसा भी बना रखा है इन्होंने, बैटमैन जैसे एक्टर है ना, पता नहीं लगता कैसे एकदम से मारा, पता नहीं लगा कैसे मारा। और म्यूजिक तो बहुत ही बढ़िया था, म्यूजिक अच्छा था, एक जिसे अप करने वाला, जो आपके इमोशंस को अप लेके जाता है वैसा म्यूजिक था। और ट्रेलर के अंदर दिखाया हुआ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है कि एजुकेशन सिस्टम अब पैसे कमाने का ज़्यादा जरिया बन गया है, पढ़ाने का कम, और कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन होते हैं, और उस कंपटीशन के अंदर बर्बाद उन वो खुद ओनर्स बर्बाद होते हैं या नहीं होते, लेकिन उस पर स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो बहुत खराब होती है, और हर स्टूडेंट के साथ एक परिवार जुड़ा होता है, उन सब की लाइफ खराब हो जाती है। तो इस मूवी में वही दिखाया, मतलब एक लड़की है वो सुसाइड करती है या कुछ ऐसा दिखाया हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो बोलता है कि जो ए से एरोप्लेन बोले वो मेरा कंपटीटर है, तो मतलब वो अपने कंपटीटर को आगे बढ़ना नहीं देने चाहता, कुछ ऐसा मूवी का। अब इस मूवी के अंदर अभय देओल का क्या रोल है वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे जो मतलब हम हिंदी मूवीज देखने वालों के लिए अभय देओल बहुत अच्छे एक्टर है, डिफरेंट मूवीज करते हैं, तो ये मूवी भी उन्हें कुछ डिफरेंट लगा होगा इसलिए शायद। और अभी ये टीजर ही आया तो टीजर में इतना कुछ नहीं दिखाया उन्होंने, मेन थीम दिखा दिया मूवी का, हो सकता है उनका नेगेटिव रोल हो इसके अंदर, भी हो सकता है। तो फिल्म देख के पता लगेगा, ट्रेलर में पता लगेगा क्या है उनका मेन। उसके अंदर एक नैनो टेक्नोलॉजी वाले वो बॉम्ब्स भी दिखाए हैं, वो आते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी
तो कुछ कुछ जो है सुपर हीरो मूवी बनाने की पूरी कोशिश है, सुपर हीरो मूवी जैसी ही लग रही है। सुपर हीरो की एंट्री खतरनाक है एंड में जो दिखाया मतलब वो इंडिया के अंदर सुपर हीरोज की कमी है, तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुपर हीरो मूवीज बने। और साउथ इंडियन सिनेमा से, तमिल और तेलुगु से, मलयालम से, कन्नड़ा से अगर निकल के आएंगी ऐसी सुपर हीरो मूवीज तो वो अच्छा होगा, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर सुपर हीरो मूवीज बनाने की कोशिश की गई है लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं बना पाए हैं। मुझे लगता है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री जिस हिसाब से काम कर रही है, बाहुबली बनाई थी, चाहे सैरा बनाई थी, उसके बाद अभी एक और मूवी आ रही है उसका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसी इस तरह की मूवीज, इस तरह के सेट और बना के और इस तरह का रिस्क लेके वो इतना ग्राफिक्स डाल के वो मूवीज बना रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर वो बनाएंगे सुपर हीरो मूवी तो वो बहुत बढ़िया मटेरियल कुछ लेके आएंगे, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बॉलीवुड से हम थोड़े से निराश हो चुके हैं। बॉलीवुड में जितनी भी उन्होंने सुपर हीरो मूवीज बनाने की कोशिश की है कोई भी अच्छी निकल नहीं पाई। मतलब एक तो होता है बेकार, एक होता है महाबेकार। हमें मतलब इतना अच्छा नहीं लगा, कोई हो सकता है फैन क्रिश को छोड़ दें, क्रिश को छोड़ दें तो अच्छी थी, अच्छी थी, लेकिन जैसे उसके बाद भी बहुत सारी बनाने की कोशिश की, जैसे वो एक टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान की आई थी, शाहरुख खान की रावण आई थी, वो तो किसी को भी पसंद नहीं आई थी। उसके बाद और भी बहुत सारी मूवीज में सुपर हीरो को ट्राई करने की कोशिश की थी लेकिन वैसा हो नहीं पाया। अभी रणवीर कपूर की आ रही है एक सुपर हीरो मूवी ब्रह्मास्त्र सुनने में आया, तो देखते हैं उसमें वो कैसे सुपर हीरो बने हुए हैं। लेकिन इस मूवी को हम देखना चाहेंगे जब ये मूवी आएगी, इसका ट्रेलर, इस मूवी का इंतजार रहेगा हीरो का। पहले तो हम इसका ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, इसका ट्रेलर आएगा तो उसका भी एक बार रिएक्शन करेंगे चैनल के ऊपर भी, और रिएक्शन नहीं भी किया तो हम खुद तो जरूरी देखेंगे। तो हमें ये टीजर बहुत अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा ये टीजर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। साथ ही नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, शेयर बटन दिया हुआ है, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।